हेलो फ्रेंड। तो आज एसबीआई के लिए, एसबीआई जो है, एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है फ्रेंड अपने इंडिया का। तो इसमें जॉब निकाली गई है फ्रेंड, तो काफ़ी अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएशन वगैरह जो मास्टर डिग्री वगैरह जो की हो, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। तो डेट वगैरह देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कि 9/1/2019 से चालू हो गया है और 30/1/2019 को लास्ट हो जाएगा फ्रेंड। सो आप इसका फीस देख लेते हैं। फीस इसका जो जनरल ओबीसी का 600 है, एसटीएससी का 100 रुपीज़ है। तो आप इस डेट को एक बार विधिवत आप देख लीजिए। ये डेट आप ध्यान रखिए फ्रेंड, 31/1/2019 से पहले अप्लाई कर देना है। एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं फ्रेंड, जो जरूरी है 5/1/2019 है। तो 5/1/2019 तक में आपको एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा और एग्जाम दे पाएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वगैरह निकाली गई है, जिससे DY डिप्टी मैनेजर, स्टेटिस्टिशियन, 02 पोस्ट यानी दो पोस्ट है। एक जो है 3542 है। और जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है फ्रेंड, यहाँ मास्टर डिग्री इन स्टेटिक्स और डाटा एनालिसिस मिनिमम 60% यानी 60% होना चाहिए फ्रेंड, तभी आप भर पाएंगे। सो इसके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आपके पास कंपल्सरी 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह देख सकते हैं फ्रेंड के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर 03 है ना, इसके लिए आपका ये यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट निकाले गए हैं। इसका एज जो है 25 से 35 है। जो क्वालिफिकेशन आया है बी बी टेक इंजीनियर डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन ईटी वगैरह से एमबीए वगैरह कैंडिडेट, तो इस तरह के क्वालिफिकेशन होना चाहिए फ्रेंड। और सो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फ्रेंड। तो हम लोग आगे देख लेते हैं जिस तरह के और सारे बहुत सारे पोस्ट इसमें निकाले गए हैं फ्रेंड। तो मास्टर ऑनलाइन फुलफिलमेंट यहाँ पे 3 पोस्ट निकाले गए हैं। एज की बात करें तो 25 से 35 है। क्वालिफिकेशन सेम है, बी बीटेक डिग्री वगैरह होना चाहिए, एमबीए, 4 ईयर एक्सपीरियंस। उसी तरह मैनेजर ऑनलाइन है ना, ये सारे आप देख लें। और आपसे रिलेटेड अगर इस तरह क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरें फ्रेंड। सो मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ भी देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पे 4 पोस्ट निकाली गई है। और 25 से 35 साल आपका एज रखा गया। क्वालिफिकेशन सेम है फ्रेंड, बी बीटेक डिग्री एमबीए वगैरह आपके पास हो, और एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है 4 साल का। तो सो आप देख लें फ्रेंड, आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसी तरह चलते हैं हेड लीगल, लीगल वगैरह जो होते हैं उनके लिए देखते हैं। बैचलर डिग्री लॉ यानी आपके पास लॉ की डिग्री हो तो इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। और इसका एज तो काफी दिया हो, 50 से 62 साल वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। बट इसमें देख लेते हैं कि 20 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप देख लीजिए जो भी सज्जन हैं इनके काबिल, तो वो भर सकते हैं और इसको देख करके अप्लाई करें फ्रेंड। इसी तरह 17 साल एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस काफ़ी इसमें लंबे मांगे गए फ्रेंड। बेचलर डिग्री का है यानी वकील वगैरह का है, तो हेड लीगल हो गया, डीजीएम हो गया, डीजीएम लॉ हो गया। तो इस तरह क्वालिफिकेशन जो रखते हों, जो कोई भी हों, जो भी सज्जन पुरुष हों, व्यक्ति हो, ये इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड। सो यहाँ पे ये देखिए चार्टेड अकाउंट, इनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर कोई व्यक्ति क्या कोई पर्सन हो कोई भी, तो वो चार्टेड अकाउंट अगर किए हो तो वो सिंपली भर पाएंगे, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा फ्रेंड। सो उसी तरह देखिए हेड प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट रिसर्च, यहाँ पे 1 पोस्ट निकाली गई है। एज के बाद 35 से 50 साल है। बैचलर मास्टर डिग्री एनी रिकॉग्नाइज यानी कि मास्टर डिग्री वगैरह बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी यूनिवर्सिटी हो। एक्सपीरियंस 12 साल का है फ्रेंड। तो आप देख लें फ्रेंड कि आपके एलिजिबल हैं, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन मैच करती है आपके, इस फॉर्म को अप्लाई करें फ्रेंड। सो आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे पोस्ट हैं और इनसे रिलेटिव जितने पोस्ट निकाले गए ये सब हैं, और इसका एज वाला है ये सारा चीज़। तो एक बार इसको देख लें और सारे चीज़ को, अगर आप इसके एलिजिबल हों तो प्लीज़ अप्लाई करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट में मिल सके। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।